स्टैटिक्स चैप्टर 15 समझ गया ना, क्लास क्या हो गया अगले वाला सुनो किताब पे जाके सुनाओ ठीक है हम कब आया क्या देखते तो तुम मन भाव सांख्यिकी हो गया ना, तो सांख्यिकी का नाम जैसे ही सुनोगे तो आपके माइंड में आ जाएगा संख्या ना, संख्या मतलब आंकड़ा। ये जो सांख्यिकी चैप्टर है आप लोग पूर्व में भी परिचित हो, क्लास 8, 9, 10 सब में पढ़ते हुए आया कि नहीं आया। यहाँ पर भी वही चीज है, इसमें थोड़ा सा जो है ना दो गो चीज चेंज होगा, रेस्ट जो आपका जो आपने 9, 10 में पढ़ा है वही सब यहाँ पर भी यूज होगा। आंकड़ा एकदम वर्गीकृत वर्गीकृत यहाँ पर भी रहेगा, वहाँ पर भी माध्य निकालते थे यहाँ पर भी निकालेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा कुछ विशेष होगा, समझ गया ना। रेस्ट जो आप पढ़ते हुए आए हो उसी से यहाँ पर क्या है संबंधित है। तो चलो इसी में सांख्यिकी में आप लिखो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, पहला डेफिनेशन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, माध्य माध्यक बहुलक माध्य माध्यक बहुलक को केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहते हैं। माध्य माध्यक बहुलक को केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहते हैं। अब देखो माध्य का इंग्लिश क्या होता है, ये होता है मीन, क्या होता है मीन, समझ गया ना। आप देखो माध्यक का माध्यिका भी हम बोलते हैं, समझ गया, माध्यक को हम क्या बोलते हैं माध्यिका, इसका क्या होता है मीडियम। उसके बाद क्या होता है आपका बहुलक मोड, इनको हम क्या बोलते हैं मोड, तो मेन मीडियम मोड। अब देखो माध्य इनको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं मीन। अब देखो सिग्मा इसको जो है सिग्मा बार से सूचित करते हैं, ये देखो माध हो गया, इनका इंग्लिश क्या होता है मीन, इनको हम किससे सूचित करते हैं सिग्मा बार, इनको बार साइन करते हैं। अब देखो ये फॉर्मूला आप लोग पहले पढ़ चुके हो, इनको हम क्या बोलते हैं सिग्मा एफ आई, समझ गया ना। जहाँ जो एफ आई क्या होता था बारंबार था, क्या होता था बारंबार था, और एक्स आई क्या होता था वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह कैसे निकालते थे ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा दो सीमा बटे दो, मतलब दो को संख्या को जोड़ते थे इसलिए दो से हम भाग देते थे, तो उनसे आपको वर्ग चिन्ह प्राप्त होता था, नहीं होता था जी। तो फॉर्मूला तो वहाँ पर वही आपने पढ़ा, समझ गया, और यहाँ पर आप फॉर्मूला अलेवंथ में क्या पढ़ेंगे, तो यहाँ पर भी वही होगा एक्स बार हो गया बराबर क्या होगा 1/n सिग्मा, ये n हो गया, आई बराबर क्या हो गया 1, और सिग्मा एक्स आई, सिग्मा एक्स आई। देखो ये n क्या हो गया प्राकृतिक संख्या, देखो जैसे माध्यम निकालते हैं ना जी, पांच को संख्या है ना, पांचों को हम जोड़ करके पांच से भाग देते हैं कि नहीं भागते हैं, प्रेक्षणों की संख्या हो गया। देखो माध बराबर क्या होता है, माध बराबर क्या होता है प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या नहीं होता है प्रेक्षणों की कुल संख्या, एन जो हो गया प्रेक्षणों की कुल संख्या हो गया,
संख्या चार गो है कि पांच गो है, वही चीज ज्ञान हुआ। अब देखो सिग्मा का क्या अर्थ होता है, योग समरूप पदों का योग, योग फल होता है। योग फल को हम योग बोलते हैं। तो सिग्मा का क्या अर्थ होता है, समरूप पदों का योग फल। इनको हम समेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समेशन, समझ गया ना, इनको क्या बोलते हैं, समेशन। देखो सिग्मा ये x बार बराबर क्या हो गया, वन बटे एन, समझ गया, एन आई बराबर वन और सिग्मा एक्स आई। अब हम इनके अर्थ को भी समझाएंगे कि ये चीज क्या होता है। अच्छा सिंपल रूप में माध हमको निकाल करके दिखाओ, तो एग्जाम्पल हम देते हैं, दो चार छ पच्चीस बीस। अब इनका माध कैसे निकालेगा, बोलो इनका माध कैसे निकालेगा, दोनों माधिका निकाल रहे हो, छो होगा। माध निकालने के लिए क्या करेंगे, क्या वो संख्या है, दो दो चार, सतहत्तर बटा दो होगा। ये देखो एक दो तीन चार पाँच, संख्या है ना, पाँच बटा पाँच से भाग देना होगा, पाँच पाँच जितना संख्या, एक दो तीन चार पाँच, संख्या पाँच है, पाँच से भाग देना होगा। सभी को क्या करेंगे, जोड़ करके आप भाग देंगे, तो दो निकालो, सड़सठ बटे पाँच, सड़सठ बटे पाँच मतलब वही औसत वाला ये सिग्मा आई क्या होता है, इसका क्या अर्थ होता है। जैसे मान के चलो कि हम कोई संख्या ले लेते हैं, दो ले लिए, तीन ले लिए, नौ ले लिया, ग्यारह ही ले लिया, इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक्स वन, इनको क्या बोल सकते हैं, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर, ये क्या होगी, एक्स फोर। तो मतलब देखो मान वन से पहला पद लिया जी, दूसरा पद, तीसरा पद नहीं होता है, समरूप पदों का योग फल। एक से मतलब शुरुआत करते हैं ना, और कहाँ तक लेते हैं, जैसे मान के चलो कि ये एन का मान इसमें कहाँ तक है, ग्यारह है ना जी, इसमें एन का मान क्या होगा, चार, इसमें एन का मान क्या होगा, क्योंकि चार को संख्या है, तो एन का मान चार को संख्या रहेगा, क्या रहेगा। तो मान के चलो कि चार संख्या में जोड़ रहे हो, तो एन के जगह क्या रखोगे, चार। ये यही कहता है, वो तो फिक्स न हो गया चार को जी, एन इसलिए रख देते हैं कि चार गो रहे, की पांच गो रहे, जरूरी है कि चार एक गो रहेगा, हो सकता है सात गो, हो सकता है नहीं हो सकता है। तो ये ऐसे है कि जहाँ तक एकदम आपको दिया हुआ है वहाँ तक एकदम क्या होगा, जुटते जाएगा, समझ गया ना, सिग्मा मतलब योग फल हो जाता है, समझ गया ना, समरूप पदों का योग फल जुटते जाएगा। ये एक्स आई मतलब क्या, ये फॉर्म एक्स आई का हुआ कि नहीं हुआ, आई मतलब क्या, वन से शुरू होगा यानी प्रथम पद से शुरू करेगा ना, प्रथम पद को जोड़ेगा, द्वितीय तृतीय से चलते रह जाएगा, समझ गया ना, कहाँ तक, एम तक, क्या वो पद है। या इसी में देखो कि इसी का माध निकालना हो, समझो कि एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर का, इनको सबको हम क्या करेंगे, जोड़ करके चार से भाग देंगे ना, नहीं देंगे। ये चीज क्या है, इनको समझ चुके हैं, ये वन बटे एन क्यों हुआ, तो एहन चार गो है ना जी, एन का मान क्या होगा, चार गो, परीक्षणों की कुल संख्या क्या है, चार, वन बाय फोर, इसलिए वन बाय फोर। हमारा निकालने के लिए क्या करोगे, सभी संख्याओं को जोड़ करके सिंपल जो जानते हो, चार से भाग दोगे कि नहीं दोगे, यहाँ पर ये क्या है, अब लिखिए माध्य, मीडियन होता है, मीडियन मीडियन होता है, मीडियन मीडियम मतलब होता है माध्यम, समझ गया ना, मीडियम मतलब होता है माध्यम। अच्छा माध्यक में क्या करना पड़ेगा, इनको डैश दे, ये डैश दे दो, लिखो कुछ भाषा इसकी, दिए गए आंकड़े को, दिए गए आंकड़े को
आरोही या अवरोही क्रम में सजाए। दिए गए आंकड़े को सजाएं, आरोही या अवरोही क्रम में सजाएं। लिखो या सजाएं, या लिखे जो चीज आपको सुलभ लग रहा है ये चीज लिख लीजिए। अब देखो इसमें भी जब सजा लेते हैं आखिर को तो इसमें भी दो कंडीशन बनता है, समझ गया ना। इसमें भी दो कंडीशन बनता है। पहला कंडीशन आपका होता है, देखो रोमन का एक देखिए पॉइंट पहला लिखो रोमन का एक। जब एन विषम हो, जब एन विषम हो, जब एन विषम हो तब तब आकरे की माध्यिका n+1/2 होगी, n+1/2 होगी। एग्जाम्पल जैसे 2, 3, 4, 5, 9। देखो n सम है कि विषम है? 2, 4, 5 विषम है सर। n बराबर क्या हो गया? 5। n बराबर 5 हो गया ना, तो n विषम है फाइनली जी। n जब विषम है इनका माध्यिका क्या होगा? 3 होगा। तो देखो 5 × 1 क्या हो गया? 6। 5 × 1 क्या हो गया? 6। अब देखिए n+1/2 यानी 5+1/2 6/2 द्वितीया 6। अब देखो तीसरा पद होगा, ये 3 जो निकला ये पद निकलता है, कौन पद होगा? माध्यिका तीसरा, 4 होगा, 1, 2, 3 ये 4 इनका माध्यिका होगा, समझ गया ना। इनका मीडियन क्या होगा? 4। देखो इसलिए माध्यिका बोलते हैं ना, तो माध्यिका मतलब मध्य भाग से बांटने वाला, समझ गया ना। यहाँ से इधर जाएगा तब भी उतना ही पद होगा, और यहाँ से इधर आएगा तब भी उतना ही पद होगा। गिनो जैसे 1, 2, 3 हो गया ना, इधर से गिनो 1, 2, 3 इसी को ना माध्यिका कहेंगे। साधारण दिमाग भी लगाओ, क्या माध्यिका दूसरा होगा?